जारी हुई कांग्रेस की पहली सूची में विदिशा जिले की शमशाबाद विधानसभा से कांग्रेस ने सिंधु विक्रम सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सिंधु विक्रम सिंह पूर्व में शमशाबाद मंडी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस बार भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा रहने वाला है। हम जनता के बीच जाएंगे और हमें जनता जरूर आशीर्वाद देगी। मैं चाहता हूँ कि पार्टी ने टिकट दिया है और यहाँ से सिर्फ एक बार कांग्रेस जीती है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अन्याय और अत्याचार इस क्षेत्र में हो रहे हैं उनको रोक पाऊँ, जनता के भले के लिए जो काम हो सकते हैं वो कर पाऊँ, और मेरे से जो भी गरीब लोगों की और जिनको मेरी आवश्यकता है उन लोगों के काम मैं पूरे कर पाऊँ। क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस की? कांग्रेस की तैयारी तो हम लोग देखिए आप करीब 10 साल से मैदान में ही हैं, घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, और तैयारियों के बारे में आप अगर कहीं भी जाके चौक चौराहे पे जायजा लेंगे तो आपको जानकारी होगी कि बेहतर है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाने वाले हैं? हमारे मुद्दे देखिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। जो कमलनाथ जी ने बोला है करीब 250 घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार में हमारा प्रदेश नंबर वन है, हमारी विधानसभा नंबर वन है। यहाँ पर जुआ, सट्टा, दारू, आड़, रेत, अवैध खनन, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो जनता सब जानती है इस बारे में। क्योंकि आप कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और आपको इस मौके पर व्यक्तिगत यदि आपसे पूछा जाए कि कैसा लग रहा है, आप एक बार फिर टिकट पाने में कामयाब हुए 2008 के बाद 2023? नहीं, मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, बस यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ईश्वर ने घर में सब कुछ दिया है, एक बेटा है, बहुत ज्यादा कामना नहीं है, बस एक इच्छा थी कि एक बार शमशाबाद में ऐसा विधायक कोई बने जो इनकी सच्ची सेवा कर पाए, यही मेरी इच्छा है। नवरात्रि का पहला दिन है और पहले ही दिन आपका नाम आना, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता? मुझे बहुत खुशी है कि पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन बड़े शुभ समय में मेरा नाम आया है, हम लोगों का नाम आया है, और मैं सभी जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इसमें मेरा सहयोग करें। शमशाबाद से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।